Hello friends, welcome to my YouTube channel CSE Tutorials. So HTML सीखने की इस सीरीज में हम यहाँ पर फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे थे और फॉर्म्स में भी हम फॉर्म कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, ठीक है, जहाँ पर हमने देखा था कि हमें यूजर से अगर सिंगल लाइन का इनपुट लेना है तो वो हम कैसे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जो कंट्रोल है इनपुट कंट्रोल वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इनपुट कंट्रोल की, जो है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, ठीक है। ये सब सिंगल लाइन सॉरी ये सब टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के ही पार्ट हैं। पहले हमने डिस्कस किया था पहला सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, अब हम बात करेंगे पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। मतलब कि आपको अगर यूजर से पासवर्ड एंटर करवाना है, पासवर्ड लेना है, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसको आपको कैसे लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं पासवर्ड इनपुट कंट्रोल है उसको क्रिएट करने का तरीका भी सेम होता है जैसे कि हमने यहाँ पर सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल क्रिएट किया था, ठीक है। जैसे पासवर्ड हमें लेना है तो इसका लेबल लेट से मैं पासवर्ड यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। सेम तरीका होता है, सेम यहाँ पर इनपुट टैग है जो यूज किया जाता है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल क्रिएट करने के लिए भी, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको टाइप है जो टेक्स्ट ना करके, पहले वाले में टेक्स्ट आपने टाइप लिखी थी, यहाँ पर सिर्फ टाइप को चेंज करके आपको पासवर्ड लिखना है, ठीक है। अगर आप इसकी टाइप को पासवर्ड कर देंगे तो ये पासवर्ड इनपुट कंट्रोल बन जाएगा, ठीक है। सो अब इसको मैं सेव करके अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पासवर्ड इनपुट कंट्रोल यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको न्यू लाइन में यहाँ पर शो करवा देता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर br टैग का यूज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर ये हमें उसको नई लाइन में नीचे शो करे, ठीक है। सो आप देखेंगे ये न्यू लाइन में नीचे शो कर रहा है, ठीक है। सो अब पासवर्ड इनपुट कंट्रोल में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आप देख रहे थे जो पहले हमने क्रिएट किया था इसमें हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो हमें विजिबल हो रहा है, ठीक है। बट पासवर्ड इनपुट कंट्रोल में आप कुछ भी टाइप करेंगे वो आपको हाइड कर देगा, उसको वो हिडन रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम पासवर्ड ले रहे हैं तो उसको आप विजिबल नहीं करना चाहेंगे, तो वो पासवर्ड इनपुट टाइप कंट्रोल की सहायता से आप ले सकते हैं। सो आप देखेंगे मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर बुलेट्स के द्वारा हाइड हो जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ये पासवर्ड इनपुट कंट्रोल का टाइप है, ठीक है। सो यहाँ पर क्रिएट करने का तरीका सेम ही है, बस आपको टाइप में पासवर्ड यहाँ पर डिफाइन करना है और बाकी के जो और इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम रहेंगे। जैसे नेम है इसका, आप कोई नेम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। लेट से मैं इसका नाम पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इसका यूज क्या होता है अगेन वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यू है वो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेट से आप डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉरी कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जनरली ये हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, पासवर्ड में। अगेन इसकी साइज भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो साइज का मतलब है जो जो बॉक्स है इसकी लेंथ है, इसकी साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसकी साइज में अगर 25 करूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी और ये 25 कैरेक्टर्स के बराबर की लेंथ का हो जाएगा, ठीक है। ये हमने आप देखा कि यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर पास की थी वो, तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर शो करवा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आप अगर इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, लिमिट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मैक्स लेंथ का यूज करके आप मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। लेट से मैं चाहता हूँ कि जो पासवर्ड मैं यहाँ पर यूजर से ले रहा हूँ वो 5 कैरेक्टर से बड़ा ना हो, ठीक है। तो इसके लिए मैक्सिमम लेंथ में 5 सेट कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पर देखूंगा, मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पर अगर एंटर करूंगा तो वो 5 कैरेक्टर से ज्यादा यहाँ पर नहीं ले पाएगा। आप देख सकते हैं मैं 5 के बाद यहाँ पर टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये 5 कैरेक्टर से ज्यादा आगे इनपुट नहीं ले रहा है, ठीक है। सो ये आप मैक्सिमम लेंथ की सहायता से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पासवर्ड इनपुट कंट्रोल को हम फॉर्म में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने
यहाँ पर दो टाइप डिस्कस किए हैं। पहला है सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, सेकंड था पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। ठीक है, सो टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का जो थर्ड टाइप है वो है टेक्स्ट एरिया, मतलब कि आप मल्टी लाइन इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से। अभी सब ये सिंगल लाइन थे, जैसे ईमेल है, नेम है, ये सिंगल लाइन के इनपुट्स होते हैं। सपोज आप एड्रेस या कोई पैराग्राफ टाइप करवाना चाहते हैं, इनपुट में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मल्टीपल लाइंस का इनपुट कंट्रोल आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल लाइन इनपुट हम यूजर से कैसे ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो के नीचे रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।